नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से ऋषि और लक्ष्मी के बीच में इस बात को लेकर काफ़ी बड़ा झगड़ा होने जा रहा है, जिसके बाद में लक्ष्मी छोड़ देगी इस घर को। जी हां, लक्ष्मी को निकाला जाएगा और ऋषि के थ्रू निकाला जाएगा। इस समय मलिष्का और ऋषि की मॉम नीलम काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं और किरण यानी कि पूरा परिवार खुश नज़र आ रहा है। हालाँकि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है बाबूजी को, यानी कि ऋषि के बाबूजी और आहाना, और सबसे ज़्यादा आयुष को दुख हो रहा है। हालांकि आयुष और लक्ष्मी सभी लोग जो कि इस चीज़ को बोलते हुए नजर आएंगे कि उसमें इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो करा है इसमें कोई ना कोई साजिश ज़रूर है। लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ये सब कुछ चाल खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ में, क्योंकि दरअसल लक्ष्मी ऋषि को निकाल नहीं रहा है बल्कि असली गुनहगार तक पहुँचने के लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ में ड्रामा रचते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीका से लगातार ऋषि जो कि लक्ष्मी को ऐसे टॉर्चर करने की एक्टिंग कर रहे हैं ताकि मलिष्का को लगे कि हाँ वाकई में ये सब कुछ ऐसे हुआ है। लेकिन दोस्तों इधर जो कि मलिष्का करेगी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जीत का जश्न वो एक साथ ही मनाना स्टार्ट कर देगी, वो भूल चुकी है कि ऋषि हमेशा चार कदम आगे होता है। तुम कितना क्राइम कर लो, तुम्हारा क्राइम को वो तुरंत ही पहचान लेगा और वो क्राइम करने वालों को कभी भी माफ़ नहीं करता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय ऋषि सबसे ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ऋषि जानता है कि अब तक तो जितने भी कांड हो रहे थे घर के अंदर वो कोई ना कोई एक साजिश के तहत हो रहे थे। लेकिन दोस्तों अब ऋषि को पता है कि इन सब में कोई और इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी इन्वॉल्व मलिष्का ही है, और मलिष्का वाकई में अपनी मॉम के साथ में मिलकर जो कि बल्लू से ये कांड कराया है। साथ ही दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो।